फिल्म पद्मावती के विवाद पर संसदीय समिति ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट, 15 दिनों का दिया वक्त। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना, पद्मावती विवाद पर ट्वीट कर उठाए सवाल। करणी सेना ने फिल्म पद्मावती को लेकर संजय लीला भंसाली पर साधा निशाना, का नहीं चलने देंगे फिल्म। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संजय लीला भंसाली की फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर भी जलाए। मुंबई से पुणे का सफर होगा सिर्फ 12 मिनट में, हाइपर लूप ट्रेन से होगा ये कमाल। अगले हफ्ते शुरू होगी प्रोजेक्ट पर स्टडी। कोपराड़ी नाबालिग गैंगरेप और हत्या केस में 29 नवंबर को सजा का ऐलान करेगी अदालत, तीनों आरोपी पाए गए दोषी। अभियोजन पक्ष के वकील उज्जवल निकम ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, इस केस के लिए मराठाओं ने निकाले थे मूक मोर्चे। भोईवाड़ा कोर्ट के अंदर चाकूबाजी, दो आरोपियों को रिहा करने से खफा शख्स न कोर्ट शख्स ने कोर्ट परिसर में उन्हें चाकू से घायल किया, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से करीब 95 नॉटिकल माइल दूर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जहाज डूबा, जहाज में सवार 16 क्रू मेंबर्स सुरक्षित। मंगलवार की शाम तकरीबन 6 बजे जहाज में हो गया था छेद, पानी भरने से रात करीब 8:30 बजे तक डूब गया पूरा जहाज। 11 दिसंबर से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष, 12 दिसंबर को नागपुर में विधानसभा के घेराव की भी तैयारी। नारायण राणे के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीट के उपचुनाव के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, मिलकर बीजेपी से मुकाबले का फैसला। सीएम के बयान से नाराज नाई समाज का कई शहरों में प्रदर्शन, सीएम ने कहा था जैसे नाई ग्राहक की आधी दाढ़ी बनाकर छोड़ देते हैं ताकि वो जाए ना, ऐसे ही कांग्रेस एनसीपी सरकार ने अपने अधूरे काम छोड़ दिए। और सख्त होगा दिवालिया कानून, संसद में पारित होने के बाद दोबारा कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकेंगे प्रमोटर्स। जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स का ढांचा बदलने के बाद अब डायरेक्ट टैक्स में बदलाव की तैयारी, ड्राफ्ट के लिए टास्क फोर्स का गठन। जीएसटी दरों में कटौती के बाद कंपनियों ने घटाया रोजमर्रा के कई प्रोडक्ट्स के दाम, आईटीसी डाबर ने कम की कीमतें। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को जीएसटी पर 2% छूट देने पर विचार, जल्द फैसला लेगी काउंसिल। 83 अंकों की बढ़त के साथ 33,561 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 15 पॉइंट्स बढ़कर 10,342 पर बंद। 50 रुपए की गिरावट के बाद 30,400 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी में भी 50 रुपए की गिरावट। शुक्रवार से नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट, दोनों टीमों ने नेट पर बहाया पसीना। ट्विटर पर फिर ट्रोल हुए फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर, गर्भवती गायिका बियॉन्से और लाल रंग के फ्लावर पॉट की तुलना पर आलोचना। जोधपुर में फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान घायल कंगना रनौत पैर में मोच आने के बाद डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी। पद्मावती की रिलीज टलने का, कपिल शर्मा ने भी उठाया फायदा, अपनी फिल्म फिरंगी को 1 दिसंबर को करेंगे रिलीज, पहले 24 नवंबर को होनी थी रिलीज। आएगा श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का सीक्वल, तैयारी में जुटी गौरी शिंदे। अदनान सामी ने दीपिका और भंसाली को मिल रही धमकियों का किया कड़ा विरोध, बोले किसी को कानून हाथ में लेने का नहीं अधिकार, आपत्ति है तो कोर्ट में जाए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। यकीन करना मुश्किल है पर खबर यही आ रही है कि सैकड़ों मासूमों की जान लेने के गुनहगार गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का एक बेटा मौलवी बन गया है। उसका बचपन से ही कुरान के प्रति रुझान था, अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों में उसने कभी दिलचस्पी नहीं ली।
थाने क्राइम ब्रांच ने किया है सनसनीखेज खुलासा। वो ये कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का तीसरा बेटा मोइन एक मौलवी बन गया है। ये जानकारी क्राइम ब्रांच को दाऊद के भाई इकबाल कास्कर ने दी है, जो उगाही के कई मामलों में थाने क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। कास्कर के मुताबिक मोइन ने एक विदेशी यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मोइन का मन दुनियादारी से ज्यादा धार्मिक विषयों में लगता है, या कहिए कि दाऊद के घर में होने वाली आपराधिक गतिविधियां उसे पसंद नहीं है। सीनियर पीआई प्रदीप शर्मा के मुताबिक मोइन कराची के क्लिफ्टन रोड पर बनी एक मस्जिद में मौलाना बन गया है। क्लिफ्टन रोड पर ही दाऊद अपने कुनबे के साथ रहता है। कास्कर के मुताबिक मोइन का रुझान कभी भी परिवार के अंडरवर्ल्ड के धंधे में शामिल होने का नहीं था। वो बचपन से ही मौलानाओं से कुरान के पाठ पढ़ता था। ठाणे से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से 12 मिनट में पुणे पहुंचना संभव हो सकता है। इस हफ्ते से पुणे में इसके लिए स्टडी भी शुरू हो गई है, जो 1.5 महीने में पूरी हो जाएगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की कंपनी हाइपर लूप इस ट्रेन को बनाने जा रही है, जो हवाई जहाज से भी तेज गति से चलेगी। 5, 4, 3, 2, 1 फायर। देश की ही नहीं दुनिया की भी पहली हाइपर लूप ट्रेन मुंबई पुणे के बीच दौड़ेगी। इसके लिए पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाइपर लूप वन कंपनी के साथ करार कर लिया है। इस हफ्ते से मुंबई पुणे शहर के बीच कंपनी सर्वे शुरू करने जा रही है। हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बड़े बड़े वैक्यूम पाइपों के अंदर से ट्रेन निकाली जाएगी। इस तकनीक में ट्रेन को इलेक्ट्रिक चुंबकों के ऊपर चलाया जाता है, जिनकी चुंबकीय शक्ति से ट्रेन बड़ी ही तेजी से ट्रैक के ऊपर उठकर चलती है। यह हाइपरलूप बन कंपनी टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलन मस्क की है। पुणे के कुछ उनके प्लस पॉइंट है, एक है क्लाइमेट अच्छा है पुणे का, पुणे में स्पेस है, पुणे में पानी का प्रॉब्लम नहीं है, पुणे में शिक्षा अच्छी है। तो अगर हम लोग मुंबई में जल्दी पहुंच सकते हैं तो मुझे लगता है कि पुणे में लोग रहना चाहेंगे ज्यादा। कॉस्ट वो अभी नहीं बोल सकते, स्टडी के बाद इसकी कॉस्ट पता चले। हाइपरलूप ट्रेन की चुंबकीय टनल बिछाने के लिए ट्रेन की पटरी से काफी कम खर्च आता है। हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार वाली हाइपरलूप बुलेट ट्रेन के मुकाबले किफायती है। मुंबई पुणे के बीच की 140 किलोमीटर की दूरी ये अत्याधुनिक हाइपरलूप ट्यूब ट्रेन सिर्फ 12 मिनट में पूरी करेगी, जिसमें फिलहाल 3.5 घंटे का समय लगता है और एक मुसाफिर का टिकट तकरीबन 1200 रुपए होगा। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आज मुंबई में एक बेहद चौंका देने वाली घटना घटी। मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट के अंदर एक शख्स ने दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। यह वारदात भरी कोर्ट में जज, वकीलों और पुलिस के सामने हुई। आज दोपहर मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट में जो घटा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक शख्स ने भरे कोर्ट में जज के सामने दो लोगों पर चाकू से हमला कर लहू लुहान कर दिया। कोर्ट में मौजूद सभी लोग इस घटना से सहम गए। दरअसल 67 साल का हरीश शिरदकर अपना आपा खो बैठा जब उस पर हमला करने के दो आरोपियों को कोर्ट ने कई साल से चल रहे केस में रिहा कर दिया। उसे पहले से ही लग रहा था कि उस पर हमले के दोनों आरोपी आज कोर्ट से रिहा हो जाएंगे, इसीलिए वो तैयारी के साथ चाकू लेकर कोर्ट पहुंचा था। आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है। इंजरी दो लोग हैं, उसको अभी ट्रीटमेंट चल रहे हैं। 326 IPC प्रमाणे हमने गुना दाखिल किया है। आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घायलों का KEM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।